हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 13 डिक्शनरी का नया टॉपिक प्रिटी प्रिंटिंग और डिक्शनरी। अभी क्या होता था, आप अपनी डिक्शनरी प्रिंट करा लेते थे, लेकिन अगर डिक्शनरी छोटी है तो आप इजीली चेक कर पाते थे कि उसकी कीज़ क्या हैं और उसकी वैल्यूज़ क्या है। अगर कोई कंडीशन ऐसी आती है कि आपकी डिक्शनरी बहुत बड़ी होती है, उस कंडीशन में आप जब प्रिंट कराओगे तो आप थोड़ा परेशान रहोगे कि आपकी डिक्शनरी की कीज़ कौन सी हैं, वैल्यूज़ कौन सी, और एक रीडेबल वे में नहीं हो पाएगा। अगर आप चाहते थे अपनी जो डिक्शनरी है उसको एक प्रेजेंटेबल वे में, दैट मीन्स अच्छे तरीके से प्रिंट करा सको, तो उसके लिए उस कंडीशन में आप क्या करोगे, आप जेसन पैकेज का यूज़ करोगे। हम जो यहाँ पढ़ने वाले हैं वो जेसन पैकेज के थ्रू और या जेसन फॉर्मेट के थ्रू हम अपनी डिक्शनरीज को प्रिंट कराएंगे। अगर आपको एक डिक्शनरी प्रिंट करानी थी तो आप क्या करोगे, उससे पहले जब जेसन फॉर्मेट में कराओगे तो आप इम्पोर्ट करोगे जेसन पैकेज को इम्पोर्ट करोगे और उस प्रोग्राम के अंदर एक फंक्शन यूज़ करोगे जेसन का, कौन सा, डम्प्स, दैट मीन्स वो पाइथन का ही फंक्शन है जो जेसन मॉड्यूल के अंदर है। वो उस कंडीशन में क्या होगा कि आपकी जो डिक्शनरी होगी वो कीज़ और वैल्यूज़ की फॉर्मेट में किसके अंदर चली जाएगी, दैट इज़ जेसन फॉर्मेट में चली जाएगी। एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं इसको। आपको एक एग्जाम्पल प्रोग्राम दिया गया है बनाने को, उसके अंदर क्या है, आपको वर्ड्स की फ्रिक्वेंसी चेक करनी है अपनी डिक्शनरी में। दैट मीन्स आपने उसके लिए क्या करा, इम्पोर्ट जेसन, क्योंकि हमें क्या करना है, जो फ्रीक्वेंसी प्रिंट करानी है वो डिक्शनरी की किसमें करानी है, दैट इज जेसन फॉर्मेट में करानी है, और जो प्रिंटिंग करनी है दैट इज वो जेसन फॉर्मेट में करनी है। उसलिए उस कंडीशन में आपने क्या लिखा, इम्पोर्ट जेसन, सेंटेंस इक्वल्स टू दिस इज अ सुपर आइडिया, दिस आइडिया विल चेंज द आइडिया ऑफ लर्निंग। ये आपका एक सेंटेंस है और उसको आपने किस वेरिएबल के अंदर स्टोर करा लिया, सेंटेंस। ये डेटा टाइप कौन सा है, दैट इज स्ट्रिंग। फिर आपने एक वेरिएबल लिया वर्ड्स इक्वल्स टू सेंटेंस डॉट स्प्लिट। स्प्लिट फंक्शन क्या करेगा, इस सेंटेंस को ब्रेक कर देगा वर्ड्स में। तो सबसे पहली वैल्यू क्या जाएगी, दिस एक वर्ड जाएगी, आई एस एक वर्ड जाएगी, ए एक वर्ड जाएगी, सुपर एक वर्ड जाएगी, और वो किसके अंदर स्टोर हो जाएगी, एक वर्ड नाम की लिस्ट के अंदर स्टोर हो जाएगी। फिर आपने एक डी नाम की एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट करी है। फिर आपने एक लूप चलाया फॉर वन इन वर्ड्स, दैट मीन्स इस लिस्ट में से वो एक वर्ड लेगा और किसके अंदर स्टोर कर देगा, वन वेरिएबल के अंदर। आपने एक वेरिएबल और ले रखा है, दैट इज की, उसकी वैल्यू किसके अंदर, किसके इनिशलाइज कर दिए, वन के अंदर जो आई थी। सपोज फर्स्ट टाइम वन के अंदर क्या आया होगा, दिस, और इस की वैल्यू क्या हो गई, दिस हो गई। इफ की नॉट इन डी, दैट मीन्स जो की के अंदर वैल्यू आई है वो इस डी डिक्शनरी के अंदर नहीं है, तो क्या करे, काउंट इक्वल्स टू वर्ड्स डॉट काउंट की, दैट मीन्स इस वाली वर्ड्स जो आपकी लिस्ट है उसके अंदर से काउंट करे कि ये जो की के अंदर वर्ड आया है वो कितनी बार अकर करता है। जितनी बार भी अकर करता है वो क्या करेगा, काउंट वेरिएबल के अंदर ट्रांसफर कर देगा। फिर आपने क्या लिखा, डिक्शनरी का जो आपने वो बनाई थी उसके अंदर डी और उसकी की, दैट मीन्स अगर यहाँ पे दिस आया होगा तो दिस हो गई, उसकी की हो गई, और जो जितनी बार दिस इस सेंटेंस इस लिस्ट के अंदर अकर कर रहा होगा वो उसकी वैल्यू हो गई, वो आपने उसकी वैल्यू इनिशलाइज कर दी उसकी की। फिर आपने क्या कराया, काउंटिंग फ्रीक्वेंसी इन द लिस्ट और वर्ड्स प्रिंट करा दिए, दैट मीन्स जो वर्ड वाली लिस्ट होगी ये प्रिंट हो गई। देन आपने लिखा प्रिंट जेसन डॉट डम, दैट मीन्स ये किस फॉर्मेट में डम्प करेगा, जेसन के फॉर्मेट में डम्प करेगा, और किसको डम्प करेगा, दैट इज डी आपकी डिक्शनरी को। इंडेंट इक्वल्स टू वन, इंडेंट इक्वल्स टू वन का मतलब है ये जो स्पेस आ रहा है यहाँ पर वो कितना होगा, एक करेक्टर का स्पेस देकर आगे प्रिंट करेगा। इस एग्जाम्पल को एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। दैट इज आपका प्रोग्राम है, प्रोग्राम चेक कर लेते हैं कौन सा प्रोग्राम था, दैट इज 13.11, यस दिस इज 13. आपका प्रोग्राम है 13.12। पाइथन 13-12.py क्या कर रहा है, आपका दिस जो है इस लिस्ट के अंदर कितनी बार अकर कर रहा है, इसको यहाँ से एग्जांपल के थ्रू जो हमने अभी एग्जांपल ले रखा है उसको उसके थ्रू समझ लेते हैं।
थर्टीन चैप्टर का हमारा एग्जाम्पल्स, ये एग्जाम्पल्स ओपन कर लेते हैं। हमारा था 13.12। समझ लेते हैं इसको। तो आपके वर्ड के अंदर जो गया होगा वो क्या गया होगा, ये लिस्ट बनी वर्ड के थ्रू, दैट मीन्स सेंटेंस डॉट स्प्लिट्स के थ्रू क्या हुआ, आपके जो सेंटेंस है ये एक स्ट्रिंग जो थी उसको स्प्लिट करा स्पेसेस के बेस पे। बाय डिफॉल्ट वो क्या ले लेगा, स्पेस के बेस पे उसने स्प्लिट करा और किसके अंदर डाल दी, एक लिस्ट बना दी वर्ड्स के नाम से। अब आपकी एक वर्ड लिस्ट बन गई, आपने एक डी डिक्शनरी क्रिएट कर ली जो एम्प्टी है। फॉर आपने क्या करा, फॉर वन इन वर्ड, दैट मीन्स इस लिस्ट के अंदर से एक वर्ड किसके अंदर आया होगा, वन वेरिएबल के अंदर आया होगा। आपने की वैल्यू क्या कर दी, जो इस वर्ड के वन के अंदर आई होगी, दैट मीन्स फर्स्ट टाइम क्या होगी, दिस आई होगी, तो की वैल्यू क्या हो गई, दिस हो गई। इफ की दैट इज दिस नॉट इन डिक्शनरी डी, अगर नहीं है तो क्या करे, दैट मीन्स अभी तक डिक्शनरी के अंदर दिस नहीं था, तो क्या करेगा, काउंट इक्वल्स टू वर्ड्स डॉट काउंट की, दैट मीन्स काउंट आपका एक वेरिएबल है, वर्ड डॉट काउंट क्या करेगा, वर्ड आपका क्या है, ये आपकी आपने जो दैट इज वो बनाया था सेंटेंस, वो दैट इज लिस्ट बनाई थी, देन लिस्ट के अंदर लिस्ट वेरिएबल डॉट काउंट की, दैट मीन्स काउंट करेगा इस लिस्ट के अंदर दिस कितनी बार हैगा, इसके लिस्ट के अंदर दिस कितनी बार है, वन एंड टू, तो काउंट की वेरिएबल, काउंट वेरिएबल की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज टू, डी ब्रैकेट के अंदर की, दैट मीन्स ये क्या हो गया डिक्शनरी, और यहाँ पर की क्या हो गई, दिस हो गई, इक्वल्स टू काउंट, दैट मीन्स दिस की वैल्यू क्या हो जाएगी, काउंट के बराबर हो जाएगी, दैट मीन्स दिस की वैल्यू टू हो जाएगी। ऐसे ही लूप चलता रहेगा, और अगर सपोज नेक्स्ट टाइम इस दिस पे जाएगा तो वन के अंदर फिर दिस आएगा, वन इक्वल्स टू की हो जाएगा, दैट मीन्स दिस फिर हो जाएगा, फिर चेक करेगा इफ की नॉट इन डी, कंडीशन में फॉल्स है ना, क्यों, क्योंकि इस टाइम इसको आपका दिस जो है वो आपकी डिक्शनरी में मिल रहा है, अगर मिल रहा है तो ये इस इन दो स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट नहीं करेगा, अगर नहीं मिल रहा है तो इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा, और क्या करेगा, आपका काउंट करेगा जो की के अंदर वैल्यू आई थी, और काउंट करके काउंट वेरिएबल के अंदर ट्रांसफर कर देगा, और जो आपकी डिक्शनरी के अंदर है उसको की बना देगा जो वन की के अंदर वैल्यू है, और जो काउंट के अंदर वैल्यू आई है उसकी उसकी वैल्यू बना देगा। इस एग्जांपल के अंदर थोड़े से चेंजेस करके देख लेते हैं। अभी अगर मैं इंडेंट फोर कर देता हूँ, मैंने कहा था इंडेंट क्या करता है, स्पेस देता है, अगर मैं इंडेंट फोर कर देता हूँ तो ये जो वन करेक्टर की स्पेस है ये कितने करेक्टर की हो जाएगी, फोर करेक्टर की हो जाएगी। एग्जीक्यूट करते हैं, फोर करेक्टर की हो गई। अभी क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या आ रहा है, दैट इज सेपरेटर्स जो आ रहे हैं वो हमारे कोलन, दैट मीन्स यहाँ पर पता चल रहा है कि हमारी की है, और यहाँ पर कोलन और टू, दैट मीन्स यहाँ पर पता चल रहा है हमारी वैल्यू। आप इसके सेपरेटर्स भी चेंज कर सकते हो, मैं इसको भी आपको दिखा देता हूँ आप सेपरेटर्स कैसे चेंज करोगे। दैट मीन्स इस लाइन को मैं कमेंट कर देता हूँ, मैं सेव करता हूँ। तो सेपरेटर क्या करेगा, अभी यहाँ पर कॉमा आ रहा है, यहाँ पर आपका कॉमा हटा देगा, और यहाँ जो कोलन आ रहा है इसको क्या कर देगा, इक्वल्स टू साइन में कन्वर्ट कर देगा। आप जेसन डॉट डम के साथ इंडेंट भी दे सकते हो, इंडेंट आपका क्या करेगा, यहाँ से लेफ्ट से स्पेसिंग करेगा, जबकि सेपरेटर्स आपका क्या करेगा, ये जो आपके सेपरेटर्स हैं इनको हटा देगा। चेक करें इसको, या फिर सेपरेटर्स चाहोगे तो चेंज भी करा सकते हो। अब क्या हुआ, जब मैंने सेपरेटर यूज करा तो सेपरेटर क्या हुआ, आपका जो कॉमा यहाँ आ रहा था पहला वाला, उसको मैंने क्या कर दिया, ब्लैंक कर दिया, स्पेस कर दिया, और जो आपका दूसरा क्या था, कोलन था, उसकी जगह मैंने क्या सेपरेटर यूज़ कर लिया, इक्वल्स टू साइन। तो आप और इसके अंदर फंक्शंस भी यूज़ कर सकते हो जेसन डॉट डम के थ्रू। जेसन डॉट डम क्या करता है, आपको जेसन फॉर्मेट में प्रिंट करने के लिए देता है। ये एक पैकेज है आपका जो आप इंपोर्ट करते हो कहाँ पर, पहली लाइन से, और जेसन डॉट डम के थ्रू आप क्या करते हो, एक प्रॉपर वे में एक डिक्शनरी को प्रिंट करा लेते हो, अगर आपकी डिक्शनरी बड़ी है। अगर छोटी है तो कोई प्रॉब्लम होती नहीं, आप बहुत इजीली रीड कर सकते हो कीज़ और वैल्यूज़ की क्या है, उसकी की क्या है, उसकी वैल्यूज़ क्या है। लेकिन अगर डिक्शनरी बड़ी है, उसको प्रेजेंटेबल वे में आपको प्रिंट करना है, तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, आप जेसन डॉट डम फंक्शन को यूज़ कर लेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको प्रिटी प्रिंटिंग क्लियर हो गई होगी। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं कोशिश करूँगा आपके डाउट क्लियर करने की और आपके सारे क्वेरीज को रिप्लाई करने की। थैंक यू।